हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, सबको पता चल गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसी टाइप का क्वेश्चन मैं हर एक सेट में अभी लेकर आ रहा हूँ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसे आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, या बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931 को, 6 मार्च 1931 को, 7 मार्च 1931 को, या 8 मार्च 1931 को किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को किया गया था, गांधी और इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। इरविन उस समय वाइस राय था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 मार्च 1931 को। 1931 में तो दिया गया है, लेकिन कभी कभी डेट्स भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन का यहाँ पे बात हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या डॉक्टर MS अंसारी के द्वारा किया गया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना जो हुआ था, आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेसेंट ने, हेलेना वलावास्टकी ने किया हुआ था, या चार्ल्स नोल्टन ने किया हुआ था, या एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया गया था? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश दामोदर सवारकर के द्वारा, नाना पाटिल के द्वारा, लोकमान तिलक के द्वारा, या विनोबा भावे के द्वारा? तो ये लोकमान तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, ठीक है, इनके द्वारा गणपति त्योहार का शुभारंभ किया गया था 1893 में। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, या यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए कुछ जानना है, मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने, ठीक है, वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी, ये बताना है। देखिए 1919 में तो घटा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कब घटा था? ये रॉलेट के विरोध में लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, तो जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल को घटा हुआ था ये घटना, और उस दिन त्योहार कौन सा था? वैसाखी का त्योहार था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में एक, ठीक है, जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1884 में, 1872, 1881 में, या 1891 में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या माई ट्रूथ? तो देखिए हिंद स्वराज का स्थापना गांधी जी किए हुए थे, और एक और था माई ट्रूथ, नहीं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का क्या नाम था? न्याय प्रधान था, अष्ट सेना था, अष्ट सिद्धि था, या अष्ट प्रधान था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अष्ट प्रधान। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट वेलेजेली ने किया हुआ था, या लॉर्ड कनिंगम के द्वारा, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पे सहायक जो प्रणाली चल रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसमें क्या किया गया रहता था कि दूसरे जो नवाब होता था उसके साथ मिल करके और उसका पूरा कंट्रोल उसके ऊपर ले लिया जाता था, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड वेलेजेली था, सहायक संधि के नाम से भी ये जाना गया था। नेक्स्ट है, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बताइए? चार्टर्ड अधिनियम 1793, या 1813, या 1833, या 1853 में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, या नीली सेन गुप्ता, या इंदिरा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरोजनी नायडू। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र
जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्ष पहली महिला कौन बनी, तो वो इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण निभाई थी, बताइए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बासुदेव सिंह ने, सुबोध बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने या अशोक मेहता ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है श्री रंग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताइए, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या लाला लाजपत राय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए जो केसरी पुस्तक आता था, जो केसरी अखबार आता था वो मराठी लैंग्वेज में आता था, ठीक है, जबकि मराठा एक अखबार आता था वो इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा है कि जो मराठी, ठीक है, केसरी जो आता था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस लैंग्वेज में आता था, ठीक है, तो वो मराठी में आता था। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो देखिए ये कहाँ किया गया था, ढाका में बांग्लादेश का जो राजधानी है वहां पे किया गया था, और किसने किया था, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन और शामिल हुए थे बताना है, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही नहीं, महात्मा गांधी जो 10 अप्रैल 1917 को जो चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है, उसमें देखिए साथ में ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेबी कृपलानी भी साथ में थे, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था, विनोबा भावे को, जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को या एस सत्यमूर्ति को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीपीसी में, ठीक है गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।